हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज इंडिपेंडेंस डे पर मैं ट्राई करने वाला हूँ पांच बेस्ट इंडियन गेम्स, और ये पांचों गेम मस्त हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इन सारे गेम के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला गेम है काइट फाइटर, और ये गेम काइट लवर के लिए है, क्योंकि यार तुम इसमें ना किसी की भी पतंग को काट सकते हो और अपनी पतंग को कितना भी ऊँचा उड़ा सकते हो, और इस गेम को खेलते वक्त लगेगा कि तुम इसे सचमुच यार पतंग उड़ा रहे हो। बाकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इंडियन स्पाइडर 3D, जो कि इंडियन स्पाइडर के ऊपर बेस्ड है, और इसमें तुम पानी पूरी भी खा सकते हो और किसी से भी लड़ सकते हो। और ये पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है, और इसके नए अपडेट में ढेर सारी गाड़ियां भी आने वाली हैं, और इसकी गेम प्ले की वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से देख लेना। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है GTA की कॉपी गैंग्स ऑफ इंडिया, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है, और इस गेम में हमें एक बड़ा सा मैप भी देखने को मिल जाता है, और इस गेम में मौसम भी बदलता रहता है, और इस गेम में दिन और रात भी देखने को मिल जाता है, और किसी की कार छीनते वक्त अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, और इस गेम में काफी लग्जरी कार्स भी हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर है विजय थालापति का सरकार गेम, जिसमें करेक्टर के लिए डिफरेंट आउटफिट्स देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम में फाइटिंग मूव्स भी काफी कमाल के हैं, और इसके ग्राफिक्स का तो मैं दीवाना हो गया। गेम को खेलते वक्त लगता है कि जैसे हम मूवी देख रहे हैं। लिस्ट में पांचवें नंबर पर है इंडियन व्हीकल सिम्युलेटर 3D, जिसमें हमें ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है, और इसमें हम अलग अलग कैमरा एंगल्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें हम कार को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें हमें काफी सारे कारें भी खेलने को मिल जाती। तो यही था आज की वीडियो में कमाल के पांच इंडियन गेम्स, इनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा गेम लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।